हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर सेकंड एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बजट विच विल बी रिलीवेंट टू योर एग्जामिनेशन यूजुअली फ्लेक्सिबल एंड कैश बजट इज आस्क इन द पेपर बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द फ्लेक्जिबल बजट दैन वी कैन मूव टुवर्ड्स पॉइंट्स ऑफ कैश बजट ऑल्सो तो फ्लेक्जिबल बजट अभी हम प्रिपेयर करने वाले हैं अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट में दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नंबर वन इज ओनली यू हैव द अमाउंट कॉलम इन द क्वेश्चन एंड नंबर सेकेंड यू विल बी हैविंग द पर यूनिट कॉलम ऑल्सो तो फ्लेक्सिबल बजट हम बनाने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है एक्चुअली कि हमको अगर हम 60 परसेंट की कैपेसिटी या yes, 50 परसेंट की कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको ये ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं अगर हम हमारे कैपेसिटी को 50 परसेंट से लेके 60 परसेंट तक जाएंगे या 70 परसेंट तक जाएंगे या 90 परसेंट तक जाएंगे तो हमें कितने एक्सपेंसेस लगेंगे एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न बजट इज अ प्रेडिक्शन वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट अभी आपने देखा होगा कि यूनियन बजट लॉन्च होने वाला है तो यूनियन बजट अभी गवर्नमेंट uh, uh, हमें बताएगी कि ये हमारा इस साल का बजट है दैट इज जस्ट बी प्रडिक्शन कि वॉट एवर इनकम वॉट एवर रेवेन्यू द गवर्नमेंट इज अर्निंग उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे सिमिलरली हम हमारे कंपनी से रिलेटेड पढ़ते हैं तो कंपनी के रिलेटेड अगर बात करें तो कंपनी फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे जब काम कर रहा था तो कंपनी के ये ये एक्सपेंसेस थे तो कंपैरेटिवली अभी अगर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है तो कंपनी के

वी हैव सिक्सटी परसेंट एंड एटी परसेंट कैपेसिटी डिटेल्स फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी आपको सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी का इंफॉर्मेशन दिया है और हमें सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी के बेसिस पे ये बताना है कि कंपनी अगर सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पर काम करेगी तो एक्सपेंसिस कितना होगा और कंपनी अगर एटी परसेंट के कैपेसिटी पर काम करेगी तो एक्सपेंसिस कितना होगा यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है

ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है इन द बुक्स ऑफ डैश सिंस द नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट गिवन आई हैव पुट डैश ओवर देयर हैजट फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी परसेंट एंड एटी परसेंट कैपेसिटी सेवेंटी फाइव परसेंट हमें दिया है तो so, हमेशा हम पहले कॉलम में जो दिया है वही इंफॉर्मेशन लिखेंगे और सेकेंड और थर्ड कॉलम में जो हमें प्रिपेयर करना है वो इंफॉर्मेशन हम वहां पे लिखेंगे कॉलम्स देखो कैसे है पर्टिकुलर्स फिर सेवेंटी फाइव परसेंट का एक कॉलम सिक्सटी परसेंट का वी हैव टू प्रिपेयर एट्टी परसेंट का वी हैव टू प्रिपेयर ठीक है अभी सिंपल चीज है ध्यान से इसको कैलकुलेशन सीखेंगे देखो सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी करके रखा है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए देखो वेरिएबल ओवरहेड्स में अगर देखें तो वी हैव टू पॉइंट्स इंडायरेक्ट मटीरियल एंड वी हैव इनडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट मटीरियल इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनडायरेक्ट लेबर इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पहले मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर लेता हूं ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है तो इनडायरेक्ट मटीरियल वॉस फर्स्ट के लिए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इनडायरेक्ट लेबर वॉस फर्स्ट के लिए ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी के लिए कैसे ढूंढना है देखो इसके लिए इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा अगर सेवेंटी फाइव परसेंट के लिए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनडायरेक्ट मटीरियल है तो सिक्सटी परसेंट के लिए कितना होगा वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव तो सिक्स थाउजेंड सिक्सटी परसेंट के लिए ऑब्वियसली कम आएगा दैट विल बी सिक्स थाउजेंड ठीक है सेम पॉइंट यहाँ पे भी सेवेंटी फाइव परसेंट के लिए अगर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया हुआ है तो अभी हम कितना का ढूंढेंगे एट्टी एट्टी परसेंट के लिए हाउ मच तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा एट थाउजेंड वेरी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेट करते वक्त वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव परसेंट का इंफॉर्मेशन हमें दिया था तो सेवेंटी फाइव परसेंट का सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो 60 का कितना होगा सिमिलरली 75 परसेंट का 7500 है तो 80 परसेंट का कितना होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा फिर सेकेंड का भी वैसे ही सॉल्व करो 75 परसेंट के लिए ट्वेंटी यहां पे लिखता हूं परसेंट के लिए 22500 दिया है तो फिर 60 परसेंट के लिए हाउ मच कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा एटीन थाउजेंड ठीक है एटी परसेंट के लिए यहां पे दिख, दिखते हैं, सेवेंटी फाइव परसेंट के लिए ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड दिया है तो एट्टी परसेंट के लिए कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है तो विल गेट दी आंसर फॉर दिस एस ट्वेंटी फोर थाउजेंड कितना आएगा दैट विल बी ट्वेंटी फोर थाउजेंड इट्स वेरी इजी वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा कैलकुलेट करते वक्त आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल ओवरहेड्स का इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा पर यूनिट में होता है तो वेरिएबल ओवरहेड सॉल्व करते वक्त पर यूनिट अगर नहीं दिया है तो कैपेसिटी से वी विल बी कैलकुलेटिंग। हाउ टू कैलकुलेट बाय कैपेसिटी वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन अब सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को अगर आप ऐड करोगे विल गेट द आंसर एज थर्टी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड को अगर आप ऐड करोगे तो विल गेट दी आंसर एज ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड को इफ यू ऐड यू विल गेट दी आंसर एज थर्टी टू थाउजेंड तो दिस इज टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स दैट विल बी डिनोटेड बाय अल्फाबेट ए हम अल्फाबेट ए इसीलिए लिख रहे हैं कि लास्ट में टोटल करते वक्त हमको सिंपल लगे कि अल्फाबेट ए फिर अल्फाबेट बी फिर अल्फाबेट सी तो आगे बढ़ते हैं अभी कैलकुलेशन में जाएंगे सेकेंड हमारा पार्ट है सेमी वेरिएबल ओवर हेड्स सेमी वेरिएबल में पार्टली फिक्स होता है पार्टली वेरिएबल होता है तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी गिवन तो इलेक्ट्रिसिटी कितना है फोर्टी परसेंट फिक्स है और सिक्सटी परसेंट वेरिएबल है पहले अमाउंट देख लेते थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड की आपके पास अमाउंट है तो कैसे करना है देखो इसको अगर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड की आपके पास अमाउंट दी है पहले थर्टी सेवन का वैल्यू मिलेगा तो का मिले 37, का विल विल बी बी तो 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 पे मैं लिखता फिर ढूंढो ये हमको मिला फिक्स और वेरिएबल अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनना जो भी एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं उसका इम्पैक्ट कैपेसिटी के बेसिस पे नहीं होता मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स है वो ना इंक्रीज होते हैं ना डिक्रीज होते हैं तो हमें क्या करना है ये फिक्स वाला जो पंद्रह हजार है इसको यहाँ पे सीधा देखेंगे हम तो यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड के जगह पे फिफ्टीन थाउजेंड ही लिखेंगे और यहाँ पे भी फिफ्टीन थाउजेंड ही लिखेंगे वाई आई हैव दिस बिकॉज इट इट इज़ इज़ फिक्स इफ वेरिएबल इट विल नॉट बी फिक्स अभी वेरिएबल आया तो कैसे करेंगे सिक्सटी परसेंट ये जो सिक्सटी परसेंट है ये ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड की वैल्यू है ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे दिया हुआ है तो ये कैपेसिटी यहां पर तो सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी में कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको काफी सिंपल है ध्यान से सॉल्व करना इसको तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाले में मिल जाएगा एटीन थाउजेंड ठीक है सिंपल कैलकुलेशन तो थर्ड के लिए कैसे ढूंढेंगे सेवेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो एटी परसेंट की वैल्यू हमारी कितनी होगी so here, तो दैट विल बी ट्वेंटी फोर थाउजेंड ओवर हियर तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड चलो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एटी परसेंट फिक्स है अमाउंट है थ्री सेवन फाइव जीरो चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर से लिख देंगे ताकि टोटल करने में कोई दिक्कत ना हो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड नाउ तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा कितना था फिक्स यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड था सिमिलर फिफ्टीन थाउजेंड ओवर हियर देन वी कैलकुलेटेड इट वॉज ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो इसका सेकेंड का हमको कितना आया था एटीन थाउजेंड आया था थर्ड में हमको कितना मिला था इट वॉज ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करेंगे सेम वे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कितना था देख लो तो एक बार थ्री सेवन फाइव जीरो एट्टी परसेंट फिक्स है ठीक है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्री सेवन फाइव जीरो तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस थ्री सेवन फाइव जीरो एट्टी परसेंट फिक्स है तो यहाँ पे एट्टी परसेंट आएगा यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट आएगा तो सेम ऊपर का कॉपी होगा यहाँ पे अलग से लिखता हूँ एट्टी परसेंट फिक्स है तो ट्वेंटी परसेंट क्या बनेगा वेरिएबल बनेगा तो एट्टी परसेंट फिक्स है तो ट्वेंटी परसेंट वेरिएबल बनेगा थ्री सेवन फाइव जीरो का पहले एट्टी परसेंट ढूंढ लेते हैं तो दैट विल बी थ्री थाउजेंड एज फिक्स जो फिक्स है वो सभी में फिक्स लिखना है थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड तो वेरिएबल है थ्री सेवन फाइव जीरो का ट्वेंटी परसेंट जो बच रहा है दैट इज सेवन फिफ्टी तो ये आपका वेरिएबल है कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेवेंटी फाइव के लिए यहां ऊपर लिखता ताकि ना हो 75 के लिए सात सौ पचास की वैल्यू है तो सिक्सटी के लिए कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे आपको में आ जाएगा दैट विल बी सिक्स हंड्रेड फिर सेम करना है सेवेंटी फाइव के लिए सेवन फिफ्टी की वैल्यू है तो एट्टी के लिए हाउ मच तो यहाँ पे आपको एट हंड्रेड आ जाएगा तो रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी डिस्कस all those expenses which are fixed in nature remain fixed in all the points. all those expenses which are variable in nature, we have to cross multiply and calculate. just take the total of all this now, 15, hundred three thousand and four one 3000 and 41 and that will be the total 41,250. the total 36,600, 15,000 plus 24,000 plus 3,000 plus 800. यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड तो दैट वॉज दी पार्ट रिलेटेड टू योर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स अब सबसे सिंपल है फिक्स ओवरहेड्स क्योंकि लिए कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है फिक्स ओवरहेड्स सैलरीज एक लाख इंश्योरेंस पाँच हजार और डेप्रीसिएशन पच्चीस हजार चलो इसको प्रेजेंट कर लेते हैं पहले सैलरीज हमारा सैलरीज है एक लाख इंश्योरेंस है फाइव थाउजेंड और डेप्रीसी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या बताया था मैंने सारे एक्सपेंसेस जो फिक्स है सब में सेम रहते हैं वन लाख लाख फिर यहाँ पे फाइव थाउजेंड फॉर इंश्योरेंस सेम रहेगा सब में और यहाँ पे पच्चीस हजार वो भी सेम रहेगा सब में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अब इनको ऐड करना है इनका टोटल आपको मिल जाएगा टोटल फिक्स ओवर दैट विल बी उज यहां पे भी आपको मिलेगा वन लैख थर्टी एंड वन लैख थर्टी देन फर्दर दिस इज सी हमने क्या कैलकुलेट किया था हमने ए कैलकुलेट किया है टोटल वेरिएबल बी कैलकुलेट किया है टोटल सेमी वेरिएबल और सी कैलकुलेट किया है टोटल फिक्स अभी आपको क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी आपको ऐड करना है क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी आपको ऐड करना है यू विल गेट द आंसर एस टोटल कॉस्ट एंड फर्स्ट के लिए आता है टू लैक्स वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सेकेंड के लिए आएगा वन लैख नाइन्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फॉर सेकेंड फिर थर्ड के लिए आएगा टू लैक फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फॉर थर्ड तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है फ्लेक्सिबल बजट का से इसको अटेम्प्ट करना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पे से याद रखना है दैट इज सेमी वेरिएबल और वेरिएबल जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते तो अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं एमकॉम का काफी नॉमिनल फीस में है जस्ट सेवन हंड्रेड रुपीज में आपको पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का कोर्स मिलेगा सिस्टमैटिक वीडियोस मिलेंगे सिस्टमैटिक पीडीएफ्स मिलेंगे मॉक टेस्ट मिलेंगे लाइव सेशंस मिलेंगे डाउट सॉल्विंग मिलेगा सब कुछ मिलेगा तो अभी ऐप डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और वहां से कोर्स में एनरोल करें आपको सारे के सारे वीडियो सिस्टमेटिक बेसिस पे मिलेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर